बार मकर संक्रांति पर नहीं होंगे मांगलिक कार्यक्रम। मकर संक्रांति के साथ ही 14 जनवरी से खरमास समाप्त हो जाएगा। अक्सर खरमास के समापन के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार मांगलिक कार्यों के लिए और इंतजार करना होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन इसके बाद भी विवाह कार्य नहीं किए जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि गुरु और शुक्र के अस्त होने के चलते इस बार शादी के मुहूर्तों के लिए लंबा इंतजार करना होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, जबकि अप्रैल में भी 22 दिन बाद शादी के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। पंडित भट्ट ने बताया कि 16 जनवरी से गुरु तारा पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा। इसका उदय 14 फरवरी को होगा। इसी बीच 9 फरवरी से शुक्र भी अस्त हो जाएगा। इसका उदय 18 अप्रैल को होगा। शादी के मुहूर्तों के लिए गुरु और शुक्र दोनों का उदित होना जरूरी माना गया है। इसमें से एक भी अस्त रहने पर मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य सुशांत राज ने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है और इन राशियों की संख्या कुल मिलाकर 12 हैं। लेकिन इनमें मेष, मकर, कर्क, तुला जैसी 4 राशियां सबसे प्रमुख हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का यह विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन को हिंदू धर्म में काफी पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया जाने वाला दान अन्य दिनों के अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी होता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।